नहीं अपना ये वैया आप बन जाओ ये वैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए ये वैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे नदी है पाप की गठरी वजन पापों का भारी है पाप की वजन पाप भारी वजन पाप भारी ये गठरी आप संभालो वो तेरा पार हो जाए गठरी आप संभालो वो तेरा पार हो जाए पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को निगम बताया गया निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखाद् मृतद्रव संयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मोहरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत महापुराण को निगम बताया गया। निगम का क्या अर्थ होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो उसको निगम बताया गया है। जैसे हम पुष्प को तो तौल सकते हैं लेकिन पुष्प की सुगंध को हम नहीं तौल सकते। मिठाई को तो तौल सकते हैं लेकिन मिठाई की मिठास को नहीं तौल सकते। दुखिया को तौल सकते हैं लेकिन दुखिया के दुख को कभी नहीं तौल सकते। वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण निगम है। भागवत महापुराण के श्लोक को गिन सकते हैं अध्याय और स्कंध को तौल भी सकते हैं लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है करोड़ों वक्ता बोल करके चले गए करोड़ों वक्ता बोल रहे हैं करोड़ों वक्ता बोलेंगे भागवत जी के महत्व की कोई चर्चा कर ही नहीं सका। निगम है। दूसरा निगम कल्प श्रीमद् भागवत महापुराण को कल्प वृक्ष बताया गया। कल्प वृक्ष से फायदा क्या होता है? देवलोक में एक कल्प वृक्ष है। देवता लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं कल्प वृक्ष के पास जाते हैं जो मांगते हैं सो मिल जाता है। देवियां जाती हैं मुझे साड़ी चाहिए मुझे आभूषण चाहिए जितना कीमती कीमती वस्तु मांगना चाहती हैं सो कल्प वृक्ष दे देते हैं।